I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Bro, क्या सोचा फिर तूने? अब किसके साथ है तू? भाई मुझे क्या पता था यार कि वो भी एमएलए की छोकरी निकलेगी. भाई मुझे क्या लगता है ना कि तेरी वाली का बाप तुझे और मेरी वाली का बाप मुझे दोनों ना अलग अलग बेवकूफ बना रहे हैं भाई. उन्हें पता है भाई कि इलेक्शन खत्म होने तक कि हम भीड़ में कहीं खो जाएंगे. अगर वो जीते तो अपने रास्ते, अगर भाई हारे तो अपने रास्ते. हमारे हाथ क्या लगेगा, बाबा जी का ठुल्लू. इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी के मजे ले और टेंशन वेंशन छोड़. क्या बात कर रहे हैं यार? अबे भाई सॉरी. अबे कर दिया ना पेंचर. भाई तुझे पता है कि वो हमारे हाथ से जा रही है. इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तू मुझे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ेगा. सॉरी यार सॉरी, गुस्सा आ गया था उन दोनों नेताओं के बारे में सुन के, इसलिए एकदम से उठ गया यार. सॉरी यार सॉरी. अच्छा ठीक है, तो फिक्र मत कर, मैं कल अपने वाले से जाकर मिलता हूँ और उससे बात करता हूँ कि उसका क्या प्लान है. लो, हुआ क्या है तुम्हें, इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? अमन, दो चीजों को लेके मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है. जैसे तुम ओसामा हो, मैं ओबामा हूँ. और दूसरा? दूसरा तुम्हारा काम. अमन, ये किसिंग बूथ कौन चलाता है यार? मैं चलाता हूँ बेबी. ये आजकल के ना लैला मजनूओं को दुनिया की नजरों से कतई दूर एकांतवास में मन की शांति के लिए अगर मैं उन्हें एक महफूज किस करने के लिए जगह दे रहा हूँ तो उसमें क्या बुरा है यार, तुम ही बताओ. वो सब तो ठीक है अमन, तुमने मुझे तो समझा दिया, मगर ब्रिगेंजा आंटी का क्या? उनको कैसे समझाएंगे? मान लो एक बार मैंने उनको डैड की शर्ट के बारे में बता भी दिया, पर डैड की शर्ट कुछ इजी नहीं है. क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? बेबी तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे डैड की शर्त पूरी करने में ना जी जान लगा दूंगा. बात वो नहीं है अमन. तो क्या बात है बेबी? मुझे क्या लगता है ना कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो. अमन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. क्या बताना चाहती हूँ, बताओ ना. एक बार फिर हमारी पार्टी को चुनिए. हम तो 5 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन उससे पहले 10 साल तक ये संतरा पार्टी ने आपके ऊपर राज किया. अमन, मेरे बड़े पापा बहुत बड़े नेता थे. उनकी एक बेटी थी मारिया, जिसका एक लड़के से अफेयर हो गया था. के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था अमन, लेकिन एक दिन अचानक मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ हम सबको छोड़कर चली गई. छोड़ के चली गई मतलब भाग गई? लेकिन क्यों? काम क्या करते हो? क्या सर, काम की तलाश में आपको पता है टैलेंटेड लोगों को जल्दी काम नहीं मिलती है ना. वेरी गुड, फाइन, एक्सीलेंट. क्योंकि वो दोनों हम दोनों की तरह इंटरकास्ट थे अमन, और अंकल इंटरकास्ट मैरिजेस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे. और फिर एक दिन मारिया को लगा कि उसे उस घर में रहते हुए अपना प्यार कभी नहीं मिल पाएगा, और उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया और वो चली गई. अंकल ही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई. मुझे बहुत डर लग रहा है अमन, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए. अमन, अमन, क्या समझ रखा है मुझे? समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, मैं क्या कोई भड़वा हूँ जो किसी भी नेता के सामने कुत्ता बन के घूमूंगा? जब वो बोलेगा भोंकूंगा, जब वो बोलेगा काटूंगा, और जब वो बोलेगा उसके आगे पीछे दो मिलाता घूमता फिरूंगा. मैं एक सच्चा क्रांतिवीर हूँ, किसी भी 2 करोड़ी के नेता के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूँ. हाँ, चाहे वो तेरा बाप हो, चाहे वो मेरा बाप. अमन, how dare you say this about my dad, huh? Oh my heart.
अमन तुमने तुमने मेरे डैड के बारे में ऐसा क्यों कहा? अमन तूने मुझे धक्का क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया बेबी, जीसस की कसम। वो मेरे को बचपन से एक बीमारी है। बीमारी? ओ गॉड, मेरा हाथ, मैं क्या करूं? बेबी बेटा क्या प्रॉब्लम है? इस हाथ को देखो ना, काम करना बंद कर दिया इसने। ओ तुम्हारा हाथ है या 1,000 रुपए का नोट जो अचानक बंद हो गया? डॉक्टर साहब, जब मैं गिरा ना तो तब तक ठीक था, उसके बाद एकदम से बंद हो गया। सब ठीक कर देते हैं, जल्दी ठीक करो जल्दी। ओके, हम सब ठीक कर देते हैं। गब्बर गब्बर, बहुत दर्द हो रहा है। तो यही खड़ा है, जा बेटा मेरे ड्रॉट से ना वो खिलाने वाला हथियार लेकर क्या। गो 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 गो। बहुत अच्छा लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? एक ही पीस मिला है, कट पीस में मिला है। बेबी तल्लूल डॉक्टर तुम्हें कहाँ से मिला? कोई बात नहीं बेबी, अभी इलाज करवा लो ना। थैंक यू, जल्दबाजी में यही मिला। बेबी इतना बड़ा, जितना बड़ा लोगे उतनी जल्दी फायदा होगा। बिल्कुल तैयार हो? नहीं। रेडी, 1 2 3। अम्मी आप सबसे अनुरोध है कि इस बार संतरा पार्टी को जिताएं, भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद भाइयों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चुनाव में हमें भारी मतों से जिताएं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ इलेक्शन की तैयारी करो बस। और हमें भारी मात्रा में वोट दीजिए। संतरा पार्टी। हमें तो 5 साल आपने अपनी सेवा करने का मौका दिया था। अरे खान फेंकी ऐसी गुंडे सरकार को। जब जफर के आदमी आए तो तूने बोला जफर को वोट दूंगा, और अब ओबामा के आदमी आए तो तूने बोला ओबामा को वोट दूंगा। क्या है भाई, कुछ समझ नहीं पा रहा भाई मैं। अबे यार, जिस तरीके से ये लोग गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, वो तो है, उसी तरीके से मैं इनके साथ भी पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ भाई। कुछ बताओगे क्या हुआ है तुम्हें? जो तू बता भाई। नहीं भाई, तेरे साथ हुआ है तू ही बता। मेरा तो उस डॉक्टर हिलाने वाले का मर्डर करने का मूड कर रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तेरी वाली से हम दोनों पहली बार मिलेंगे और ये सब हो रहा होगा हमारे साथ। मतलब यार ये मतलब छोड़ो, अमन तुम बताओ ना यार, हुआ क्या है? ये हुआ है मेरे साथ। ये जो राइट हैंड जो करता है ना, हाँ, ये लेफ्ट हैंड उससे उल्टा करता है, और वो भी बहुत जोर से करता है। कंफ्यूज आ गई ना, रुको विस्तार से समझाते हैं। खाना खाते वक्त ये हाथ चम्मच उठाता है तो ये वापस रख देता है, नहाते वक्त इस हाथ से टैप खोलते तो ये वापस बंद कर देता है। 3 दिन से नहाया नहीं हूं मैं, और तो और टॉयलेट में इस हाथ से मग्गा उठाता हूं तो ये वापस रख देता है, इस हाथ से साबुन उठाता हूं तो ये हाथ साबुन वापस रख देती है। ना ढंग से नहा पा रहा हूं, ना ढंग से खा पा रहा हूं, ना ढंग से धो पा रहा हूं। सॉरी पर जॉय, तुम्हारे बाथरूम में तो जेट सिस्टम है ना? अरे वो भी खराब हो गया है मेरी माँ। मुझे ही पता है मैं कैसे धोता हूँ, मेरा दर्द यहाँ कोई नहीं समझ सकता। पता है जब कॉन्शियसली लेफ्ट हैंड से काम करता हूँ ना तो राइट हैंड बिल्कुल सही काम करता है, बिल्कुल नॉर्मल, पर जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओ जीसस, पता नहीं हम पे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। अमन अब क्या करेंगे हम? करना क्या है, चलकर उस कमीने डॉक्टर का बैंड बजाएंगे और क्या। बिल्कुल, हाँ? साले ने मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाया कि मुझे ये सब बीमारियां लग गई, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अमन हुँ. वो सब तो बाद में देख लेंगे ना, बट अभी तो लेट्स एंजॉय।
जाए और तेरी तो तेरी अबे कहाँ है डॉक्टर साले साले बच जा मैं अपना दाया हाथ ठीक करने आया था तूने मेरा बायां बेकार कर दिया अबे जब से तूने इलाज किया है रोज कुछ ना कुछ खड़ा ही हो जाता है मैंने कोई इनविटेशन भेजा था कि मेरे पास आओ और इंजेक्शन को लगवाओ ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है ये तो कोई पागल साइंटिस्ट है हाँ क्या ये डॉक्टर साहब के पास तो डिग्री है डिग्री नहीं है मेरा हाथ खराब कर दिया मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी डिग्री नहीं है तेरे पास हम जीत गए गब्बर हम जीत गए चल बेवकूफ हाय 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 सरकार आप सबको हिलाते हैं ना ये तो आपको हिला गया बहनों भाइयों ये जो विपक्षी पार्टी है इनका जो चरित्र है इनके नाम की तरह है संतरा पार्टी जैसे हम संतरा खाते हैं ना मुंह में कोई बीज आ गया तो क्या करते हैं थूक देते हैं थूकते हैं कि ना सही कही कि ना कही सही कही तो भैया इनका चरित्र ऐसा ही है ये आप लोग इनके साथ ऐसे ही करते हैं इस बार दोबारा से आप हमें आने का मौका दें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें और यहाँ आप ही के बीच के अमन ओसामा ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप तैयार हो जी सर जाओ रेडी मित्रों आज हम सब इकट्ठा हुए हैं ओबामा जी के समर्थन के लिए तालियां आने वाली 6 तारीख को आप सब हमारे गरीबों के मसीहा कर्म योगी कर्मठ नेता और हम सब मुसलमान भाइयों के चहेते सागर ओबामा जी को फिर से सत्ता में ला सकते हैं गुंडा राज का खात्मा होगा भ्रष्टाचार बलात्कार सब बंद कर दिया जाएगा अभी क्या था क्या हो गया अरे क्या हो गया अरे यार इसको बांध के आना मैं भूल गया अरे समझा करो उसे आ गए इस बड़े की रैली देखने ये आएगा खड़ा होगा हाथ जोड़कर वोटों की भीख मांगेगा मुस्कुराएगा और तुम ताली बजाओगे ताली हिजड़े हो तुम बजाओ गुलामी करने की आदत हो गई है तुम्हें पहले तुमने अंग्रेजों की गुलामी की अब कर रहे हो इन भ्रष्टाचार नेताओं की इनके राज में आटा महंगा हो गया है डाटा सस्ता हो गया है ध्यान से देखो इनकी शकल तुझे वो आम जैसी शकल है और नाम रखा है पार्टी का कच्चा आम पार्टी ये कच्चा आम तुम्हें चुसा चुसा कर तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे समझा गौरव से भाइयों इनके जैसा हमदर्द अच्छा नेता आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ओबामा जी को कृपया अपने भारी मतों से जिताइए अरे लाहौल वाला कुकत अरे ये क्या लगा रखा आप लोगों ने ये अरे ये भैया ये कोई पागल वाला होता है हमें ऑफिस से छुट्टी लेकर टाइम वेस्ट करने नहीं आए चलो 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 आप सब लोग रुक जाइए आप सबको एक एक किलो आम का अचार मिलेगा यार समझ में नहीं आ रहा है यार मुझे हो क्या जाता है यार कुछ भी वक्त देता हूँ बड़ा फ्रस्ट्रेटिव आ गए हैं यार अब लगता है ना वो ओबामा का बच्चा इस ओसामा की लेकर ही मानेगा किसका मैसेज है साला तुम चुप नहीं बैठ सकते थोड़ी देर अबे पकड़ो यार इसे थोड़ी देर और टाइट से पकड़ना ठीक है भाई कैरी ऑन अबे क्या मुसीबत है यार पता क्या कह रही है क्या कह रही है भाई कह रही है कि बांध कर आना इस हाथ को किसी खूंटे से भाई बांध कर आना इस हाथ को किसी खूंटे से कोई जाके समझाए उन्हें साला हमारा हाथ है कोई कुत्ता नहीं जो बांध आए किसी खूंटे से भाई तेरी ये इंस्टेंट शायरी वाली आदत गई नहीं अभी तक अबे क्या करूं यार निकल ही जाती है भाई शायरी है टट्टी अबे तुम भी ना मुंह में आए बक देते हो जी में हक देते हो कतई गोला हो रखे हो अबे गोला कौन है भाई हमारा आगरे का दोस्त है अबे वो तुम्हारी तरह है कुछ भी बक देता है अबे तो दया लाले अबे रुक अबे यार ये तो खत्म हो गई चलो इसमें देखता हूँ इसमें भी नहीं है
ये ले ये ले ये ले, अब ये है तेरा बाप बंदर छाप। अब देखता हूँ कैसे छूटेगा। बंदर, लव यू। अरे क्या? हेलो। हाँ जी। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तेरी चौखट पे खड़ा है ये आशिक कुवारा। अरे गेट तो खोलिए जनाब। मैं आ रही हूँ। तो फाइनली तुम आ ही गए। चलो अंदर चलो। चलिए। और क्या लेके आए तुम आंटी के लिए? तुम अमन, ये क्या लेकर आ गए तुम? इनमें क्या प्रॉब्लम है बेबी? देखो ना कितने क्यूट हैं। हाँ, और जिस गिफ्ट शॉप में मैं था ना, उसमें सबसे प्यारा गिफ्ट यही था। वैसे भी डॉग्स आर मेंस बेस्ट फ्रेंड। अमन, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या? आंटी को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट उनको तो पेट्स कभी पसंद आए ही नहीं है। उनका मानना है कि पेट्स बहुत गंदगी फैलाते हैं, इसलिए आज तक हमारे घर में एक भी पेट नहीं रहा है। अगर उन्होंने तुमको इनके साथ देख लिया ना, तो वो तुमको इनके साथ धक्के मार के बाहर निकाल देगी। तो ये बात पहले नहीं बता सकती थी? तुम्हारे पूरे शहर ने कसम खाई है कि आगरा के शरीफ लौंडे की लेनी लेनी है। अरे आई एम सो सॉरी ना, मैं भूल गई थी। अब एक काम करो, तुम इनको यही कहीं छुपा दो। साइड ऑफ। हाँ, यहाँ पे छुपा दो। बेटा तुम यही रहना। चलो जल्दी करो। चलो चलो। ओके। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.